नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की हमारी जो द्वितीय पुस्तक है ना, पीयूष प्रवाह, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और पीयूष प्रवाह के अध्याय पहले का जो कि कहानी है, इसमें उसने कहा था, लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक, जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है पीयूष प्रवाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो पहला अध्याय है हमारा, ये कहानी है उसने कहा था, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले लेखक परिचय कि पंडित जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में और इनकी जो मृत्यु है 1922 में हुई थी, हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। अब ये जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, इनका जो जन्म है वो जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे और ये बचपन से ही साहित्य प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। अब इनकी जो प्रतिभा का क्षेत्र है वह खगोल यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। अब ये जो है ना कहानी जो हम पढ़ रहे हैं आज, उसने कहा था, जो कि लेखक द्वारा लिखी गई है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। तो ये हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी हैं, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारणी सभा काशी का संपादक मंडल में भी रहे। अब देखिए, इन्होंने कुछ कहानियाँ और भी लिखी हैं, जैसे कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तो इनकी कहानियाँ हैं। और कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। प्रतिमान मतलब कि उनकी जो कीर्ति स्थापित करने वाले हैं ये। उन्होंने मासिक पत्र जो समालोचक है उसका संपादन भी किया एवं वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे थे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। अब देखिए, अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। 39 वर्ष की थे ये। पाठ परिचय, जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं अब, जो कहानी इनके द्वारा लिखी गई है ना, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं आज, उसने कहा था। अब ये कब लिखी गई है और किस पृष्ठभूमि को केंद्र में रखकर लिखी गई है, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है पाठ परिचय के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम उसने कहा था, ये जो कहानी लिखी गई है वो है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में था। तो उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक यानी कि मन को स्पर्श करने वाली है, ये मन के प्रत्येक जो कोना है उसको झकझोर देने वाली कहानी है ये, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अब इसका जो कथानक है वो प्रेम, त्याग, अब प्रेम भी है इसमें, त्याग की भावना भी है और कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है उसको केंद्र में रखकर बुना गया ये। अब अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। अब ये जो लहना सिंह हैं वो इस कहानी का मुख्य पात्र हैं, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है। और वैसे मुख्य रूप से जो बालक और बालिका का जो बाल सुलभ निश्चल प्रेम है उससे ये कहानी प्रारंभ होती है, फिर महायुद्ध का वातावरण है और अंत में लहना सिंह का जो आत्मोत्सर्ग है, इसका वर्णन करके लेखक जो है गहरी मनोवैज्ञानिकता जो है वो प्रकट करता है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। अब देखिए, लेखक कहता है कि यह जो कहानी है वो प्रारंभिक चहल पहल यानी कि छोटे होते हैं ये बालक बालिका के रूप में मिलते हैं, लेकिन बाद में इनका जो प्रेम है तो वह जो प्रेम है वो त्याग का रूप ले लेते हैं, त्याग जो है कर्तव्य निष्ठा का रूप धारण कर लेती है।
तो इसी प्रकार से ये जो कहानियाँ प्रारंभ होती है चहल पहल से, फिर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु से यह पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। अब देखिए इसमें जो प्रेम की जो उत्सर्ग है, इसमें बलिदान है, वो कह सकते हैं हम, वो प्रेम वेदना जनित नहीं है कि प्रेम की पीड़ा में वो उत्सर्ग जन्म लिया है, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है कि मैंने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। अब आंचलिक शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, यथार्थ यानी कि जो वास्तविकता है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है, और उत्कट भाव व्यंजना, उत्कट मतलब जो उत्कृष्ट भावों की व्यंजना है, अभिव्यक्ति है, वो भी इस कहानी में की गई है, जो कि इस कहानी की साहित्यिक धरोहर है। धरोहर यानी कि जो उस समय से लेकर आज तक बनी हुई है। अब इसमें कुल 5 दृश्यों का वर्णन किया गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला दृश्य पढ़ते हैं जिसमें कि अमृतसर का जो एक चौक है, बाजार है, उसका वर्णन इसमें किया गया, और कहाँ किस प्रकार से एक बालक और बालिका आपस में मिलते हैं और क्या बातचीत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस कहानी की ओर, कि बड़े बड़े शहरों के इक्के वाले गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। अब देखिए इसमें लेखक जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें जो इक्के यानी कि जो घोड़ा गाड़ी हैं, क्योंकि घोड़े जो हैं वो जोते जाते हैं उसमें, ठीक है ना, तो उसमें जो है इक्के वाले जो गाड़ी वाले हैं उनके जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई, यानी कि वो कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर कोई उनसे आहत हो चुका है तो जिसके कान ऐसा सुन सुन के पक गए हैं, तो लेखक कहते हैं कि मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे अमृतसर के बम्बू काट, यानी कि वहाँ के जो गाड़ी वाले ना जो गाड़ी वाले हैं, तो उनकी बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, संसार भर की गलानी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी हटो भाई जी। अब देखिए लेखक कहता है कि बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी हमने चौड़ी सड़कों के ऊपर घोड़े की पीठ के ऊपर जो चाबुक है वो चलते हुए देखे हैं, और कभी जो है राह चलते जो पैदल हैं और उनकी आंखों के न होने पर तरस खाते हुए और उनके जो पैरों की उंगलियां हैं उनके पोरों को चित कर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे संसार भर की गलानी निराशा और क्षोभ के अवतार बने हुए वे नाक की सीध में चले जाते हैं, और उस समय अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले जो तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के, यानी कि कोई भी अगर जा रहा है ना, कोई सामान लेके जा रहा है, तो उसके लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर कहते हैं, बचो खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी हटो बादशाह। अब बादशाह मतलब बादशाह के लिए कहा गया बादशाह। कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। अब ये जो इसमें दिया हुआ है कि हर प्रकार से छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन फिर भी उनमें से वो निकल रही हैं, हर किसी को वे किसी न किसी प्रकार से प्रेमपूर्ण जो व्यवहार है वो कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कह रही हैं कि हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह मतलब बादशाह कि आप हट जाइए। कहते हुए सफ़ेद फेंटों और खच्चरों और बत्तकों, अब सफ़ेद फेंटों मतलब कि जो टोकरियाँ लिए हुए हैं, खच्चरों वाले हैं, बत्तक वाले हैं, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के, भारे मतलब जो वजन ढो रखा है, जिन्होंने सिर के ऊपर काफ़ी जो वजन लिया हुआ है, भारियाँ जो उसको अपने कह सकते हैं, तो रहा कहते हैं क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। अब रहा खेते हैं मतलब खेना मतलब पार करते हैं ये, तो क्या मजाल है, मजाल मतलब कि किसकी ऐसी हिम्मत है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, कि हर किसी को वो जी कहते हैं, साहब कहते हैं,
यह बात नहीं कि उनकी जीव चलती नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। अब देखिए लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उनकी जीव नहीं चलती, अर्थात वे कटु शब्द नहीं कहते हैं, बल्कि उनकी जो जुबान है, जो जीव है, वो चलती है मीठी छुरी के समान, यानी कि वो काट भी रही है और दर्द भी नहीं हो रहा है ना। अब देखिए हर प्रकार से वो हटा भी रही हैं उनको, लेकिन किसी को इतना महसूस भी नहीं होता कि वो हमें इस प्रकार से डांट भी रही हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, चेतावनी का आ गया चेतावनी, कि बार बार कहने पर भी अगर कोई बुढ़िया है ना रस्ते से आगे से नहीं हटती है तांगे वालों के, तो वो क्या कहते हैं सुनिए, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। वचनावली यानी कि जो उनके वचन हैं, उनकी आवली पंक्तियों के क्या नमूने हैं, देखिए। हट जा जीन जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। अब देखिए किस प्रकार से उसको कह रहे हैं, उसको हटाने के लिए चेतावनी बार बार देने के बाद में भी नहीं हट रही है, तो कह रही कि हट जा जीन जोगी है, कि अभी तो तू जीने लायक है, तो मरने के लिए मेरे आगे गाड़ी के आगे क्यों आ रही है। हट जा कर्मा वालिए, कि हे कर्मा वाली तू हट जा, हट जा पुत्ता प्यारिए, पुत्ता मतलब अपने पुत्रों का प्यारी है तू, मेरे गाड़ी के सामने क्यों आ रही है। बच जा लंबी उम्र वालिए, कि तू बच, तेरी उम्र बहुत लंबी है। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। अब देखिए किस प्रकार से वो जो झिटक के भी उसको कह सकते हैं, लेकिन कितना मधुर जो वाणी कहते हुए चेतावनी भी दे रहे हैं और अपनी जो मीठी छुरी से महीन मार भी वो मार रहे हैं। तो ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। अब ये तो बाहरी जो दृश्य है, जो उसका अमृतसर के चौक का जो दृश्य है उसका वर्णन किया है, तो लेखक आगे बताता है कि किस प्रकार से उसकी कहानी आगे बढ़ रही है, कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर। अब बम्बू काट वाले मैंने आपको पहले बता दिया कि जो गाड़ी वाले हैं, जो टेम्पो वगैरह वाले हैं, तो उनके बीच में से होकर लड़का और लड़की जो है वो चौक की दुकान पर आ मिलती हैं। उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता है था कि दोनों सिख हैं। अब उसके बालों यानी कि लड़के के बाल और उसका जो ढीला सुथना यानी कि जो सलवार वगैरह पहन रखी ना, तो उससे ये पता लगता है कि दोनों ही पंजाबी हैं और दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। अब जो लड़का है वो तो अपने मामा के केश धोने के लिए, केश कहते हैं बालों को, कि बालों को धोने के लिए दही लेने के लिए आया है और यह रसोई के लिए बढ़िया। और जो लड़की आई है वो रसोई में भोजन बनवाने के लिए बढ़िया लेने के लिए आई हुई है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। अब गुथ रहा था मतलब कि उससे वो बातचीत करने में मशगूल था, उसमें लगा हुआ था, जो कि शेर भर मतलब किलो भर पापड़ थे गीले पापड़, उसकी गड्डी जो है उसको गिने बिना हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है, अब दोनों लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रही हैं कि तेरे घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे मगरे मतलब पास में ही है, पीछे ही है, और तेरा कहाँ है, वो कहते मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है, मांझे मतलब बीच में है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। अब वो कहते हैं कि तू कहाँ रहती है यहाँ पे, तो कहती है अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा है, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। अब देखिए लड़का और लड़की की बातचीत आपस में बढ़ रही है आगे, तो लड़का कहता है कि मैं भी अपने मामा के यहाँ पे आया हुआ हूँ और उनका घर जो है वो गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। अब ये सौदा क्या है, सामान को कहते हैं। अब ये सौदा शब्द ना, ये आंचलिक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, अपने पहले ही पढ़ा था कि आंचलिक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। अब सामान लेकर, अब एक ने दही ली, एक ने बढ़िया ली है। अब लड़के ने तो दही ली अपने मामा के लिए, और जो लड़की है वो बढ़िया लेने के लिए आई थी, तो उसने ले लिया, अपना अपना सामान ले लिया, और दोनों साथ साथ चले हैं, चलने लगे। अब कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। अब ये कुड़माई क्या होता है पता है क्या, कुड़माई सगाई को कहते हैं, या रिश्ता जो है ना उसको कहते हैं अपने, कि रिश्ता हो गया क्या। अब कुछ दूर जाने के बाद में लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, कि तेरी सगाई हो गई, तेरा रिश्ता हो गया क्या। इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। अब देखिए लड़की जो है शर्मा गई है,
और वो धत कहकर मतलब कि चुप इस प्रकार से कहते हुए वो वहाँ से दौड़ गई। वो लड़का मुँह है देखता रह गया। फिर दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। अब देखिए पहले दिन तो वो दुकान पे मिले हैं, है ना, वहाँ पे दही और बड़ी लेने के लिए पहुँची हैं, लेकिन बाद में अकस्मात वो मिलने लग गए थे आपस में, कि दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ, तो अचानक ही वो मिल जाते दोनों। महीना भर यही हाल रहा। अब महीना भर तक वो मिलते रहे हैं। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। अब लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन उसका लड़की जो कोई जवाब नहीं दे रही है, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब पहले तो महीना भर तक तो कहती रही कि धत, कहते हुए चली गई कि अरे ऐसा क्या पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन एक दिन जब उसने पूछा, हंसी मजाक में चिढ़ाने के लिए पूछा लड़की से, तो लड़की ने संभावना के विरुद्ध धत नहीं कहा, उसने कहा कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछ रहे कब, तो लड़की ने कहा कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, कि रेशम से जो कढ़ा हुआ सालू, सालू का आ गया ओढ़नी, कि जो रेशम का बना हुआ ये जो ओढ़नी है तुम देख नहीं रही क्या। लड़की भाग गई। अब देखिए जब अपने जिस उत्तर की आकांक्षा करते हैं उसके विरुद्ध अगर अपने को जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, तो क्या हालत होती है। तो लड़के की क्या हालत हुई है, तो देखिए आगे कि लड़की तो भाग गई वहाँ से, चली गई, लेकिन लड़के ने घर की राह ली। अब लड़का घर की तरफ चल दिया है, अब उदास तो हो गई, है ना। अब देखिए क्या हालत हो गई है, कैसा वो हो रहा है। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब मोरी में मतलब कि गड्ढा था, उसमें डाल दिया उसको, हाँ धक्का दे दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छावड़ी वाला था बेचारा, कमा रहा था, उसका सामान वगैरह उसने बिखेर दिया। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उढ़ेल दिया। अब दूध लेने गया था ना ये, तो कुत्ता बैठा था बेचारा। अब देखिए कैसी स्थिति थी, उसने कुत्ता बैठा था बेचारा, उसके कुत्ते के पत्थर मार दिया, और गोभी वाला था उसके ठेले के ऊपर, ठेला मतलब उसकी रेहड़ी जो थी उसके ऊपर दूध उढ़ेल दिया। सामने नहाकर आती किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। अब सामने नहाकर कोई वैष्णवी आ रही थी, वैष्णवी कहा गया इसमें कि जो एक सन्यासिनी है वो नहाकर आ रही थी, तो उससे वो टकरा गया और वो अंधे की उपाधि पाई। उसने कहा कि अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तेरे को। तब कहीं घर पहुंचा। देखिए कैसी स्थिति हो गई है उसकी, सिर्फ ये बात सुनने से ही कि उसकी जो सगाई हो गई है, कुड़माई हो गई है। ये तो था पहला दृश्य जब वो मिले थे, लड़का और लड़की जो है, बचपन की बात है ये। अब इसमें दूसरा जो दृश्य हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जो विश्व युद्ध अपने कह सकते हैं जो, तो उसका जो वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया ना, विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध है तो उसके अंदर जो है बालक है, क्या वो उसमें शामिल था या नहीं था। तो स्वाभाविक है कि वो शामिल था, तभी इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो लहना सिंह ही केंद्र का इसका मुख्य पात्र है। तो दृश्य दो में देखिए कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। तो देखिए वो बातचीत कर रहे हैं आपस में जो सैनिक हैं, कि अरे ये भी कोई लड़ाई है क्या, दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियां अकड़ गईं। अब खंदक क्या होती है, खंदक जो यानी कि खाई वगैरह है ना, उनको खंदक कहा गया इसमें, कि खंदक जो है उसमें बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। अब देखिए जर्मन में पहुंचे हुए, वहां पे युद्ध के लिए पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि लुधियाना से तो 10 गुना जाड़ा है, 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे जाड़ा, जाड़ा कहा गया सर्दी को, कि 10 गुना सर्दी ज़्यादा है यहाँ पे, और मेह बारिश भी है, बर्फ़ भी ऊपर से गिर रही है, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। अब देखिए सैनिकों की कैसी स्थिति रहती है जब युद्ध प्रारंभ होते हैं ना, तो देखिए किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी उनको रहना पड़ता है। अब पिंडलियाँ जो हैं, घुटने से जो नीचे का हिस्सा है ना, तो उसको पिंडली कहा गया, तो वहाँ तक जो कीचड़ में धंसे हुए हैं, अब वो उसी जगह खड़े हैं। देखो ऊपर से बारिश हो रही है, बर्फ़ भी गिर रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है।
आप देखिए ज़मीन कहीं नहीं दिख रही है, क्यों? बर्फ़ गिर रही है, बारिश हो रही है, तो ज़मीन दिखेगी कैसे? बारिश है ना, तो दो तीन घंटे बाद में, दो दो घंटे बाद में ना, घंटे दो घंटे बाद में कान के पर्दे फाड़ने वाले जो धमाके होते हैं और सारी खंदक हिल जाती है, जो खंदक मतलब जो सुरंग जो खोद रखी है उन्होंने, जिसमें वो बैठे हुए हैं, तो वो पूरी हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। अब गैवी गोले मतलब कहा गया कि गोलीबारी जो है ना, उससे अगर कोई बचे तो ही कोई लड़ेगा। नगरकोट का जलजला सुना था। अब जलजला मतलब कि भयानक जो स्थिति पैदा हो गई थी, अर्थात जो उथल पुथल कह सकते हैं ना, जो भूकंप है, तो वो सुना था नगरकोट का। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। अब यहाँ पे 25 जलजले यानी कि 25 बार भूकंप आते हैं। जब भी बम फटते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हूँ। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। अब खंदक से बाहर यानी कि जो हमने वहाँ पे खंदक थी, तो उसके अंदर से अगर किसी का साफा बाहर निकलेगा, कोहनी बाहर निकलेगी, तो चटाक से दुश्मन की जो गोली है वो आके लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहती हैं। अब लहना सियाँ और तीन दिन हैं। अब लहना सियाँ और तीन दिन हैं। चार तो खंदक में बिता ही दिया। अब देखिए 7 दिन की उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर, तो लहना सियाँ कह रहे हैं कि अब 3 दिन और रहना है यहाँ पर। 4 दिन तो हमने खंदक में इसमें बिता दिए हैं, ठीक है ना, तो आगे सिर्फ थोड़ा ही रहा है, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। और देखिए 7 दिन उसमें रहना होता है, 7 दिन बाद में छुट्टी मिल जाती है, जैसे 7 दिन की रेस्ट मिलेगी उनको। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। अब झटका करना मतलब कि जो मांस वगैरह है ना, वैसे झटका करना, बकरे को हलाल करते, बकरे को काटते ना, तो उसको झटका करना कहते हैं। तो अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। अब देखिए जहाँ ये आए हुए ना, तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे उस फिरंगी जो मैडम है, अब विदेशी जो मैडम है, उसके बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। फल और दूध की वर्षा मतलब कि खाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जैसा मर्जी फल चाहिए तो वैसा उपलब्ध करवाते हैं, दूध भी पीने के लिए बहुत देते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, दाम मतलब मूल्य नहीं लेती, उसका पैसा नहीं लेती है। लाख कहने पर भी लाख कहते हैं, यानी कि लाखों बार खाया उसको लेकिन वो बिल्कुल भी पैसा नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आई हो। अब देख किस प्रकार से जो वहाँ के जो निवासी हैं वो इन सैनिकों को राजा मान रहे हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे मुल्क को बचाने के लिए आई हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, पलक नहीं झपी मतलब बिल्कुल भी आँख नहीं, यानी सो के नहीं देखा है। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अब देखिए इसमें बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है। अब घोड़ा जो है ना, आपने कभी देखा होगा, अगर उसको घुमाया नहीं जाए तो वह चलता नहीं, अकड़ जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से वो ठहर जाता है ना। और बिना लड़े सिपाही, और बिना लड़े जो सिपाही है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं हैं उनमें वो जोश की भावना वो नहीं रहती है। तो मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। अब ये संगीन क्या है, हैं? संगीन किसे कहते हैं पता है क्या? कुछ संगीन आपने देखा होगा कि जो बंदूक के आगे एक चक्कू सा लगा रहता ना बड़ा, तो उसको संगीन कहते हैं। तो मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। अब इस आपस में बातचीत करें, लैना सिंह कहते हैं कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर ना मार्च का, मार्च मतलब आगे बढ़ने का हुक्म मिल जाए तो मैं अभी चला जाऊँ, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। अब लैना सिंह कहते हैं कि 7 जर्मनों को मैंने अकेले नहीं मार दिया और उनको मार के नहीं लौटूँ तो मैं दरबार साहब में मत्था नहीं टेकूँ और मत्था टेकना नसीब नहीं हो, अर्थात मैं वहीं पर मर जाऊँ, है ना, बलिदान हो जाऊँ, शहीद हो जाऊँ। पाजी कहेंगे कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। अब पाजी कहेंगे, पाजी मतलब दुष्ट, कि दुष्ट कहेंगे अब कलों के घोड़े संगीन देखते ही। अब ये जो है ना, वहाँ के जो कह सकते जो जर्मन हैं वे देखते संगीन जब देखते तो अपने आप ही उनके पैर पकड़ने लग जाते हैं, यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं।
अगर सामने चले जाओ, संगीन लेके चले जाओ ना बंदूक के आगे, वो चक्कू लगा के जो छुरी है उसको लगा के ले जाओ, तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैरों में गिरने लगते हैं, दुष्ट कहीं के ये। लेकिन अंधेरे में देखो कैसे 30-30 मन का जो गोला फेंक रही हैं। अब मन का मतलब है 30 मन, अब 30-30 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं। तो उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। अब देखिए इसमें किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं भारतीय जो सैनिक हैं कि उस दिन धावा किया था, धावा किया मतलब हमला किया था जब हमने, तो 4 मील तक एक भी जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो, अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि अगर पीछे हटने का अगर हमें कमान नहीं दिया होता, अगर हमें हुक्म नहीं दिया होता, आदेश नहीं दिया होता, तो फिर आगे देखते फिर क्या होता, यानी कि बहुत आगे बढ़ जाते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुँच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्करा कर कहा। अब जो सूबेदार हजारा सिंह उसने मुस्करा के कहा डैना सिंह से, क्या नहीं तो फिर हम सीधे बर्लिन पहुँच जाते क्या? लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। अब जो सूबेदार हजारा सिंह वो कहते हैं कि जो लड़ाई के मामले ना वो जमादार या नायक, अब ये एक पदवी होती है उसमें, तो उनके चलाए नहीं चलते, बल्कि बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? अब देखो वो कहते हैं कि 300 मील का सामना है हमारा, चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो एक तरफ अगर बढ़ गए तो क्या होगा उससे? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या। अब लहना सिंह भी उन सूबेदार की बात को कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर करें भी तो क्या। अब यहाँ बैठे बैठे हमारी हड्डियाँ जो कांप रही हैं, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, हड्डियों में जाड़ा धस गया मतलब अब 3-4 दिन हो गए उनको कीचड़ में बैठे हुए हैं, तो ऊपर से बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो हड्डियों में जाड़ा धस चुका है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रही हैं। अब देखिए सूर्य दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो सूर्य दिखाई नहीं देता, तो खाई जो है, जो खंदक है ना, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चंबा जो हिमाचल में है, चंबा जो ज़िला है वहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके बावलियों के से सोते झर रही हूँ, जिस प्रकार से वहाँ पे जो पहाड़ों में से झरने झर रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि खंदक में भी सीधा पानी आ रहा है, जो खाई हमने बना रखी है तो उसमें एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अब वो कहते हैं सूबेदार से कि अगर एक धावा हो जाए ना कि युद्ध करने के लिए हमें कहा जाए, तो गर्मी आ जाएगी शरीर में, सारी सर्दी निकल जाएगी। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। अब उद्यमी कह रहा है कि तू तो मजाक कर रहा है इसमें, शरारती, उठ सिगड़ी में कोले डाल। अब सिगड़ी क्या है? सिगड़ी जो है अंगीठी को कहा गया इसमें वो कोले डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे और कोई तो साधन था नहीं गर्माहट के लिए, तो वो जला रखी है सिगड़ी, जला रखी है अंगीठी, जला रखी है। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अब जो सूबेदार है ना वो उनको हुक्म दे रहा है कि वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ ले लो और खाई में जो पानी आ गया उसको बाहर फेंक दो। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दें, और क्योंकि पहरा भी देना आवश्यक है, नहीं तो कोई दुश्मन आके उन पर हमला कर दें। तो महासिंह क्यों कहते हैं कि शाम हो गई है तो खाई का जो पहरा है वो बदल दें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। अब इतना कह के ना सूबेदार जो हैं, जो सूबेदार हजारा सिंह हैं, वे सारी खंदक का चक्कर लगाने लगते हैं। वजीरा सिंह हैं पलटन का विदूषक था, विदूषक मतलब विद्वान के लिए कहा गया है, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। अब इसमें ये पादा क्या है कि मैं तो सिर्फ जो है यहाँ पे पुरोहित बन गया हूँ और जर्मन का जो बादशाह उसका तर्पण कर रहा हूँ। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट पड़े। तो देखिए अब सभी हंसने लगे, पहले कहाँ उदास बैठे थे, लेकिन अब सभी जो है खिलखिला के हंसने लगे और उदासी के जो बादल थे वो दूर हो गए हैं, फट गए हैं। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के तरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अब लहना सिंह मजाक कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा किसी न किसी से तो बातचीत करेंगे वो, है ना, तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो लहना सिंह कहते हैं दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देते हुए वजीरा सिंह के, कहते हैं कि अपनी बाड़ी के जो तरबूज हैं उनमें पानी दे दें, खरबूजों में, ऐसा जो खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है,
मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि यह देश नहीं है, ये तो स्वर्ग जैसा है, ठीक है ना। अब स्वर्ग से कम नहीं, हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो जब लड़ाई के बाद में सरकार से मैं तो यहाँ पे 10 जो बीघा वगैरह ज़मीन है वो यहाँ पे मांग लूँगा और फलों के यहाँ पे बूटे मतलब पौधे लगा दूँगा यहाँ पे, तो लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। अब देखिए कैसे वो बातचीत करें आपस में, वजीरा सिंह के साथ में लहना सिंह बात करें कि लाडी होरा को भी बुला लोगे यहाँ पे या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम यहाँ पे होंगी। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देखिए आपस में कह रहे कि यहाँ चुप कर तू, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, अब देश देश की चाल है कि देश देश का जो रहन सहन है वो अलग अलग है, भारत का अलग है, पंजाब का अलग है ना, भारत में पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है, तो इस प्रकार से अलग अलग है। तो यहाँ पे जो देश में जिसमें हम आए हुए हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन अलग है। तो आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अब देखिए वो कह रहे हैं आपस में, कह रहे हैं कि जो सिख है वो कभी तंबाकू का प्रयोग नहीं करता, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीता है वो, ना ही जर्दा वगैरह इस प्रकार, यानी तंबाकू का कोई भी उत्पाद अगर है तो उसका प्रयोग नहीं करता। लेकिन वह सिगरेट जो है वो बार बार मेरे होठों पर लगाती है और होठों में लगाना चाहती है, हट करती है, जिद करती है, और मैं जो है पीछे हटता हूँ और वो समझती है कि राजा बुरा मान गया है और मेरे मुल्क की रक्षा नहीं करेगा, मुल्क का गया देश को कि मेरे देश की रक्षा नहीं करेगा। अच्छा बोधा सिंह कैसा है? अब लैना सिंह और वजीरा सिंह के बीच में बातचीत हो रही है, तो लैना सिंह पूछ रहे हैं कि बोधा सिंह कैसा है, तो वो कहता है अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। तो रात भर तुम अपने कंबलों से उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। अब जो लहना सिंह है ना तो उसको कह रहे हैं कि तुम, मुझे पता है कि तुम अपने सारे कंबल तो उसको उड़ा देते हो और जो खुद हो सिगड़ी के सहारे बैठे रहते हो, रात गुजार लेते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। अब देखिए किस प्रकार से लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह के लिए अत्यंत चिंतित रहता है, रात रात भर जो है उसके लिए जागता है, पहरा देता है और अपने जो कंबल है वो उसको उड़ा देता है और खुद जो सिगड़ी के सहारे रात गुजारता है और अपने जो सूखे लकड़ी के तख्ते हैं उस पर तो उनको सुला देता है और आप कीचड़ में पड़ा रहते हैं, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। मांदे पड़ जाना मतलब कमज़ोर मत हो जाना कहीं तुम, बीमार मत पड़ जाना कहीं तुम। तो जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों की को मुरब्बे नहीं मिलते मिला करते। अब मुरब्बा क्या है ये, अब मुरब्बा ये खाने वाला कोई मुरब्बा नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं कि जाड़ा क्या है, ये तो मौत है, ये सर्दी नहीं है, ये तो मौत के समान है, और निमोनिया से मरने वालों को कोई मुरब्बे नहीं मिलते। मुरब्बा कहा गया कि नहरों के पास की जो वर्गाकार कृषि भूमि होती है तो उसको मुरब्बा कहा जाता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। जो बुलेल की खंड है उसके किनारे, खंड मतलब जो खंदक है उसके किनारे मरूंगा मैं तो। भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब वो लहना सिंह कहते कि मेरा डर मत करो, भी मेरे लिए तुम इतनी चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। अब बुलेल की जो खड्ड है यानी कि वो स्थान का नाम बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाके मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा मैं। तो भाई किरत की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए जो आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, क्योंकि मैंने जो अपने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया ना तो उसकी छाया होगी। तो इस प्रकार से आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, वजीरा सिंह हैं, लहना सिंह हैं ना, सूबेदार सिंह हैं, ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमने दृश्य 2 का पढ़ा है जिसमें जर्मन सैनिकों से युद्ध करने के लिए आए हुए हैं ये, तो द्वितीय विश्व युद्ध की इसमें बात चल रही है। तो ये था इसमें हमारा अध्याय यानी कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुडेरी द्वारा लिखी गई।
जिसका दृश्य एक और दो आज हमने पढ़ा है भाग्य के अंतर्गत, और आगे जो है इसका भाग दो भी पढ़ेंगे जिसमें हमारे तीन दृश्य रह गए हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसका जो अध्ययन है वो हम करेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो आशा है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।